हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसके ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट गिवन अ फिगर इन विच एबीसी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर। ओपी पे पॉइंट दे रखा है ए, ओक्यू पे पॉइंट दे रखा है बी और ओसी पे पॉइंट दे रखा है ओआर पे पॉइंट दे रखा है सी। सो दैट एबी पैरेलल है किसके पी क्यू और एसी पैरेलल है किसके पीआर के। नाउ हमें प्रूफ करना है किसी पैरेलल टू क्यूआर। देखो प्रूफ कैसे होगा। इन ट्रायंगल ओपीक्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू, ए बी किसके पैरेलल है पी क्यू के पैरेलल, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर बाय बी पी टी ओ ए अपॉन पी ए इसके इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा ट्रायंगल है हमने ओ पी क्यू, फिर लेंगे ट्रायंगल कौन सा ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर ए सी किसके पैरेलल है पी आर के, पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर बाय बी पी टी ओ ए अपॉन पी ए इसके इक्वल आ जाएगा ओ सी अपॉन पी आर, ओ सी अपॉन सी आर। क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड, ओ ए अपॉन पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड की क्या होगी इक्वल होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, दिस अपॉन दिस इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल आ गया ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, therefore कौन सी थ्योरम भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीसी किसके पैरेलल होगी क्यूआर। अगर कोई साइड के ट्रायंगल की किसी साइड टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ओबी अपॉन बीक्यू इक्वल है ओसी अपॉन सीआर, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बीसी जो होगा क्यूआर के क्या होगा पैरेलल, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन को कौन सा होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसमें गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा अपने आप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 बीपीटी प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी उसमें डी जो है एबी का मिड पॉइंट है, पैरेलल टू अनदर साइड डीबीसी के पैरेलल है, देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मुझे प्रूफ करना है कि ई ए सी को बाइसेक्ट करनी, मतलब ए किसके इक्वल दिखाना है ई सी के इक्वल दिखाना है, तो गिवन क्या गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी पैरेलल टू बी सी, टू प्रूफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मुझे ए किसके इक्वल दिखाना है ई सी के, देखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी therefore AD इसके इक्वल होगा BD के, अब DE किसके पैरेलल है DE पैरेलल है BC के, therefore by BD AD upon BD equals to AE upon EC, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, DAB का मिड पॉइंट है तो AD BD के इक्वल होगा, AD इक्वल होगा BD के, DE पैरेलल है BC के therefore by BPT AD upon BD इसके इक्वल होगा AE upon AC के, यहाँ से AD की जगह BD पुट कर दूंगा या BD की जगह AD पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड क्या आएगा AD upon BD की जगह क्या लिख सकते हैं AD equals to AE upon AC, AD से AD कैंसिल हो गया कितना आएगा AE upon AC equals to ए किसके इक्वल आ गया ए सी के, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्लियर। हमें इधर रखा है डी मिड पॉइंट है एबी का, डी पैरेलल है बी सी के, बाय बीपीटी वी हैव टू प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एडी इक्वल है बी मिड पॉइंट है एबी का, तो एडी किसके इक्वल हो गया बीडी के इक्वल हो गया,
डी पैरेलल है बीसी के, तो देयरफॉर बाय पीपीटी एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल आ जाएगा, के ए अपॉन एसी के। पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे या सेकंड में, तो आ जाएगा एडी अपॉन एडी, बीडी की जगह क्या रखा हमने एडी इक्वल्स टू ए अपॉन एसी, एडी से एडी क्या हो गया कैंसिल, ए अपॉन एसी कितना आ गया भाई, ए किसके इक्वल हो गया एसी के, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई किसका मिड पॉइंट है एसी का, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ पीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसमें डी मिड पॉइंट है एबी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमें दिखाना है डी जो है बीसी के क्या होगी पैरेलल, देखो गिवन के ट्रायंगल एबीसी मींस द डी मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी तो एबी का मिड पॉइंट है, ई किसका मिड पॉइंट है एसी का मिड पॉइंट है, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी एबी का मिड पॉइंट है, ई एसी का मिड पॉइंट है, तो प्रूव करना है डी पैरेलल होगा किसके बीसी, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, कन्वर्स ऑफ पीपीटी लग जाएगी इसमें बस, क्योंकि अगर कोई लाइन किसी दो साइड्स को टू सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी दैट लाइन इज पैरेलल टू द अनदर साइड, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी गिवन मिड पॉइंट ऑफ एबी, देयरफॉर एडी किसके इक्वल होगा बीडी के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. Therefore, A is equal to EC. Question number second. दोनों को divide करो. First divide by second. AD upon AE equals to BD upon EC. AD के नीचे BD आ जाएगा. AD upon BD. प्रूफ कर दिया एडी अपॉन बीडी का रेशियो ए अपॉन एसी के रेशियो के इक्वल है, तो डी अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी डी जो होगा किसके पैरेलल होगा बीसी, एक ट्रायंगल दे रखा था एबीसी जिसमें डी मिड पॉइंट था एबी का, ई मिड पॉइंट था एसी का, मुझे प्रूफ करना है डी बीसी के पैरेलल, डी मिड पॉइंट एबी का तो एडी इक्वल टू बीडी होगा, ई मिड पॉइंट एसी का तो ए इक्वल टू एसी होगा, दोनों को डिवाइड किया एडी अपॉन बीडी इक्वल टू आ गया ए अपॉन एसी, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी डी जो है बीसी के क्या पैरेलल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया आपका, पहले आपकी एक्सरसाइज 1.6.2 और विद एग्जांपल फिनिश हो जाए, क्लियर, थैंक यू।